छठ पूजा को लेकर गुलौवा चौक स्थित कछपुरा तालाब पर छठ पूजा समिति के द्वारा तैयारी की जा रही है, जहां पर व्रतधारी महिलाओं के लिए पूजन स्थल सहित अन्य सुविधाओं के लिए आयोजकों द्वारा आज निरीक्षण किया गया। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा छठ पूजन पर गुलौवा तालाब में पूजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में व्रतधारी लोग पहुंचते हैं। इस वर्ष लगभग 4 से 5 हजार लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम 2 दिनों का होता है, इसके मतलब कार्यक्रम 3 दिनों का होता है। पहले नहाए खाए, फिर दूसरे दिन खरना, उसके तीसरे दिन व्रत रहता है और चौथे दिन के सूर्य के अर्घ्य के बाद इस पर्व की समाप्ति कर देते हैं। और ये कार्यक्रम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। और इस बार क्या व्यवस्था की गई है? पिछले बार भी थी, आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था की थी और उससे बेहतर बनाने व्यवस्थाएँ ये करने का हमारा कोशिश रहता है कि जो भी व्रतधारी आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए नहाने की व्यवस्था वो अलग से रखी गई, वहाँ साइड में रखी है और बाकी व्यवस्थाएँ नगर में करवा देते हैं, यहाँ पूरा क्लियर हो जाता है। कितनी पब्लिक आ जाती है इधर पे? मेरे हिसाब से यहाँ कम से कम 100 परिवार तो आता ही है और हर वर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं वो लोग। की सुविधाएँ अच्छी हैं और कार्यक्रम अच्छा होता जा रहा है और हमारी इच्छा है कि भैया और हमारा कार्यक्रम और आगे बढ़े। नाम रितेश पांडे।